हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी अपनी समीरा अजीज सऊदी मीडिया से और मैं चेयरपर्सन हूं समीरा अजीज ग्रुप ऑफ कंपनीज की। बॉलीवुड से मेरा नाता उस वक्त गहरा हुआ जब मैं सऊदी अरेबिया की फर्स्ट सऊदी फीमेल डायरेक्टर बनी। तो वहाँ पर जो कुछ भी होता है मैं मेरी निगाह रहती है। मैं खुद बॉलीवुड फैन हूँ, फिल्म मेकर हूँ। ये भी बताती चलूँ कि जो मेरा सबसे पहला बॉलीवुड के साथ मुआहदा हुआ था वो सोहेल खान साहब के साथ हुआ था, सोहेल खान प्रोडक्शन से। सोहेल खान जो कि सलमान खान जो हीरो हैं उनके भाई हैं, बल्कि सबसे पहले तो मुझे ही बताना चाहिए कि वो सलीम अंकल के बेटे हैं। ये मुआहदा सलीम अंकल ने ही करवाया था। सलीम खान जो लेजेंडरी राइटर हैं बॉलीवुड के, शोले के राइटर हैं, तो हम साथ में काम के लिए जुड़े थे। और अब तो खैर समीर अजीज ग्रुप ऑफ कंपनीज एक बहुत पुरानी बात हो गई है और अब तक माशाल्लाह कई कंपनियां जो हैं इस जमन में इस ग्रुप का हिस्सा हैं, और जो कि मेरी अपनी मलकियत है। और सारा दिन मैं बिजी रहती हूँ, लेकिन वो जो बॉलीवुड का प्यार है, वो जो फिल्म का प्यार है, जो फिल्म मेकिंग है, वो जो मीडिया का काम है, तो वंस अ जर्नलिस्ट ऑलवेज अ जर्नलिस्ट एंड वंस अ मीडिया पर्सन ऑलवेज अ मीडिया पर्सन। समीरा अजीज प्रोडक्शंस एंड एंटरटेनमेंट के क्याम से पहले जब मैं मुंबई में फिल्म मेकिंग पढ़ रही थी तो तब भी मुझे याद है कि स्टेट लेवल का एक अवार्ड मुझे मिला था हैदराबाद में, और वहां पर शहर भर की 2500 लड़कियां स्टूडेंट्स जो हैं वो जमा थी। तो शहर भर की वो जो लड़कियां थी, वो जो स्टूडेंट्स थी, उनकी वो जो उम्मीद भरी आंखें थी और मुस्तकबिल में जो उनकी निगाह थी, जो ये मुझसे पूछना चाहती थी कि आप अपना देश, अपना कंफर्ट जोन सऊदी अरेबिया छोड़कर यहाँ आई हैं तो क्यों आई हैं। उस वक्त विजन 2030 की तरफ हम लोग गामजन थे और हम ये मंजिल हासिल करना चाहते थे जो अब हमने कर ली है। तो बस जनाब यही वो वक्त था जब मैं इंडियन वुमेन से, हिंदुस्तानी खवातीन से बहुत करीब से रोशनास हुई। मुझे उनकी मेहनत का जज्बा, लगन, उनका लाइफस्टाइल अच्छा लगा। बॉलीवुड की खवातीन भी मेरी तवज्जो का मरकज बनी और मैंने बहुत करीब से उनके मसाइल देखे। तो जब राखी सावंत साहिबा का ये मसला सामने आया तो ऑब्वियसली मेरी तवज्जो उनकी जानिब मुबज्जल तो हो नहीं है। राखी सावंत के बारे में कुछ लोग ये चिमेगोइयां कर रहे हैं कि वो फिर से ड्रामा कर रही हैं। आम लोगों के लिए इस बात को समझना और कबूल करना भी थोड़ा मुश्किल होता है कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से मुतालिक और मुंसलिक जो लोग होते हैं उनको दरपेश होते हैं कई चैलेंज, और इन चैलेंजेस की असल वजह भी कौन होते हैं? अवाम, पब्लिक, जो कि सीधे साधे सच्चे लोगों को कबूल नहीं करते। टीआरपी उन्हें ही मिलती है जो होते हैं ड्रामेबाज और धोखेबाज, और यूं ही माशरा बिगड़ रहा है तो माशरे को बिगाड़ने में खुद पब्लिक का भी हाथ है। कंट्रोवर्सीज पैदा करके इन चैलेंजेस से निमटने वाली राखी सावंत के साथ भी यही मामला हुआ कि चोर आया, लेकिन जब सच में चोर आया तो किसी ने यकीन ही नहीं किया। और उनके बेवफा शौहर आदिल दुर्रानी इससे भरपूर फायदा उठा रहे हैं। वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि लोग राखी सावंत को नॉन सीरियस ही लें ताकि वो आसानी से उनके साथ मक्कारी और शातिराना चालें चलें, लेकिन सब चालें धरी की धरी रह जाएंगी। आदिल दुर्रानी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और एक शक तो उनके खिलाफ ऐसी भी आयत की गई है जो कि नॉन बेलेबल है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि राखी सावंत जो है वो ड्रामा नहीं कर रही, वो सच कह रही हैं। उनकी वालदा की अभी डेथ हुई और इस बंदे ने कुरान पे हाथ रख कर ये कसम खाई थी कि वो किसी भी औरत से दोबारा से इस तरह का ताल्लुक नहीं रखेगा। सबसे अफसोसनाक बात यह है कि कुरान का हलफ लेकर आदिल दुर्रानी ने उस हलफ का कोई पास नहीं रखा। मुसलमानों का ये शेवा नहीं है, जब कुरान का हलफ लिया जाता है तो बस उसके आगे कुछ नहीं। तो जो खुद सच्चे मुसलमान होते हैं और ईमान रखते हैं वो उस हलफ का एहतराम करते हैं। तो राखी सावंत जिन्होंने नया नया इस्लाम जो है वो एडॉप्ट किया, उन्होंने उस हलफ की कदर की, उसकी परवाह की, उसका एहतराम किया। मगर आदिल दुर्रानी ने क्या किया? पहले आप हलफ देख लीजिए, आपके रिव्यू के लिए पेश कर रही हूँ। इज्जत रखो। मैं ये राखी को वादा देता हूँ कि आज के बाद मेरा निवेदित है, कोई चक्कर नहीं रहेगा कि कोई उसी लड़की से भी नहीं रहेगा, और मैं राखी को धोखा नहीं देता। अब बोलो, आपने बोलो तो कुरान पाक की कसम। कुरान पाक की कसम, तुम बोलो। नहीं पहले बोलो तो मैं उसको सब जगह ब्लॉक करूंगा, कभी नहीं मिलूंगा। चलो डिलीट कर दो, अस्तग़फ़िरुल्लाह। तो आदिल साहब ये आपके लिए शूटिंग हो रही थी। यूं लगता है कि परवाह आदिल साहब को कुरान पाक की नहीं थी बल्कि उस वीडियो रिकॉर्डिंग की थी कि जिसके बाद उनको एक सच्चे शौहर की तरह राखी सावंत के साथ एक मुस्तहकम ईफाए अहद में बंधना पड़ता। इसलिए नहीं कि अल्लाह की किताब पे हाथ रखा है, बल्कि इसलिए कि शवाहिद वीडियो वाले थे। तो आदिल दुर्रानी साहब जान लीजिए कि इस तरह की हरकत के बाद आपको कोई भी अच्छा और सच्चा मुसलमान तो क्या, गैर मुस्लिम भी आपको ना कबूल करेंगे ना आपको हक बजाने समझेंगे, क्योंकि आप गलत हैं। मैं चाहूंगी आदिल दुर्रानी साहब कि आपके वालिदैन मेरी ये वीडियो जरूर देखें। राखी सावंत साहिबा जब फातिमा बनी तो ये एक बड़े एजाज की बात है, और ये एजाज मिला आदिल दुर्रानी साहब आपको।
आपको ही नहीं बल्कि आपके पूरे खानदान को इस एजाज को रखना चाहिए था, क्योंकि जो मुसलमान होते हैं, जो महज़ लोग होते हैं, वो इज्जतों के दरवाजे खोलते हैं, क्योंकि इस इज्जत का मौका, इस ऑनर की अपॉर्चुनिटी अल्लाह ताला ने, उस रब ने आपको और आपके खानदान को दी थी। बर्नार्ड शॉ का कॉल है कि इस्लाम इज द बेस्ट रिलीजन बट द मुस्लिम्स आर द वर्स्ट फॉलोअर्स। कहीं ना कहीं, कभी ना कभी इस तरह की मिसाल मुझे सच लगती है, क्योंकि ये बहुत सारे अलमियों पर सादिक आती है। राखी सावन साहिबा, हम देख रहे हैं कि आपने इस शादी को निभाने के लिए बहुत कुर्बानियां दी, अपना पैसा दिया, अपना वक्त दिया, और आपकी वालदा के इंतकाल के वक्त जो कुछ भी आपके साथ हुआ, आदिल दुर्रानी साहब ने किया, उसका मुझे पहले से इदराक था। मोहब्बत अंधी होती है और आप भी उस वक्त देख नहीं रही थी, लेकिन हम हैं मीडिया की आंख, हम ये देख रहे थे। मुझे आदिल दुर्रानी साहब से इस किस्म की उम्मीद थी। माजी में मेरे बहुत से काम इस चीज़ के गवाह हैं कि मैं घर बसाने की तरफ ज़्यादा माइल रहती हूँ, लेकिन इस मामले में राखी सावन साहिबा, मैं आपको ये कहूँगी कि आदिल दुर्रानी का गम ना कीजिएगा, इनको जाने दें, बल्कि जाने क्या दें, भगाएं इनको अपनी ज़िंदगी से, और जो जो कुछ इन्होंने आपके साथ बेईमानियाँ की हैं उसका हिसाब चुकता करें, ताकि आइंदा दोबारा किसी की ये हिम्मत ना हो कि वो आपके साथ ये कर सके। और साथ ही मैं ये कहूंगी कि जो दिलों में तोड़ फोड़ मचाते हैं, जो दिलों को तोड़ने का बाइस बनते हैं, जो फ्रॉड करते हैं, जो दो दिलों के बीच में आते हैं, उनके साथ काम ना किया जाए, ताकि उनको कुछ तो अपना खसारा महसूस हो। जिस बॉलीवुड की लालच में आदिल दुर्रानी साहब ने राखी सावंत का इस्तेमाल किया होगा, तो वो बॉलीवुड, वो इंडियन इंडस्ट्री इनके साथ काम ना करे, और ना ही उन खवातीन के साथ काम करे जो राखी सावंत और आदिल दुर्रानी के बीच में आई। क्योंकि हम अपने प्रोफेशन में, अपने काम में तो बाद में अच्छे होंगे, लेकिन उससे पहले, सबसे पहले हमें अच्छा इंसान होना जरूरी है। याद रखें कि अगर आप अच्छे इंसान के साथ काम करेंगे तो फायदे में रहेंगे, लेकिन अगर आप एक घटिया इंसान के साथ काम करेंगे तो वो आपको किसी वक्त भी डस सकता है, प्रोफेशनल लाइफ में भी, पर्सनल लाइफ में भी। तो जिस बंदे को वक्त देने और उसके साथ काम करने का फैसला करें, तो पहले उसका किरदार जरूर देख लें, क्योंकि किरदार से ही पता चलेगा कि वो बंदा भरोसेमंद है या नहीं। राखी सावंत साहिबा के पास बहुत सारे सबूत हैं अपनी बात को साबित करने के लिए, और बहुत सारे सबूत तो पहले ही आयाम हो भी चुके हैं। राखी सावंत साहिबा उमरा की अदायगी के लिए सऊदी अरबिया आना चाहते हैं, और मैंने उनको ये पैगाम भी भिजवा दिया था हमारे मीडिया फ्रेंड्स की तवसत से कि अहलन व सहलन जरूर आइए, वो मेरी मेहमान होंगी। कुछ प्रोसीजर्स अभी जारी और सारी हैं, और उन तमाम कागजी कार्रवाइयों के बाद राखी सावंत साहब जब भी तैयार हो तो वो मुझे आवाज दे सकती हैं। सब मुसलमान आदिल दुर्रानी जैसे तो नहीं होते। मैं नहीं चाहती कि फातिमा राखी सावंत ये कहे कि मैंने तो दरवाजा खटखटाया था, किसी मुसलमान ने लब्बैक नहीं कहा, तो इस वजह से मैं फातिमा राखी सावंत को दावत दे रही हूँ कि आइए। अहलन व सहलन। फातिमा राखी सावंत साहिबा को उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरेबिया जरूर आना चाहिए, और अल्लाह का घर और इस्लाम जरूर देखना चाहिए। मैं एक औरत हूँ और औरत का दुख समझ सकती हूँ, और मैं इस चीज को अप्रिशिएट करती हूँ कि भले ही आदिल दुर्रानी ने उनका दिल तोड़ा, लेकिन इस्लाम से उनका मुंह मुड़ा नहीं है। फातिमा हमेशा रहेगी, फातिमा हमेशा रहेगी। मैं जाऊंगी, रोजे भी करूंगी, उमरा भी जाऊंगी, विदाउट आदिल मैं जाऊंगी। बस शुक्रिया। इंसान चला गया है, खुदा वही है, खुदा को नहीं छोड़ो। चलिए, तो अपनी माँ को अभी अभी खो देने का दुख उठाने वाली फातिमा राखी सावंत ड्रामा तो बिल्कुल नहीं कर रही है, लेकिन हाँ, इस्लाम के रोशन दरवाजे पर दस्तक देकर अब अगर फातिमा राखी सावंत वापस पलटी तो आदिल दुर्रानी और उसकी फैमिली, आप लोग होंगे इसके जिम्मेदार। तो मैं फिर आऊंगी, फिर मिलूंगी किसी नई अच्छी सी वीडियो के साथ। सो चल जाए, मैं सलामा, बाय बाय।